दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉन वुमेन बैग यानी कपड़ों की बैग की पहले से काफी ज्यादा डिमांड है, क्योंकि पहले से ही इनका उपयोग किराना स्टोर, जनरल स्टोर, कपड़े की दुकानों इत्यादि के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन तब कपड़े के बैगों को उपयोग में लाना इन दुकानों की मजबूरी नहीं थी, बल्कि पहले दुकानदार इस तरह के बैग को अपने दुकान के प्रमोशन के लिए यूज किया करते थे और इनके जरिए उनके दुकान की पब्लिसिटी हो जाया करती थी। लेकिन जब से प्लास्टिक की थैलियों पर अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा रोक लगा दी गई है, तब से इनका उपयोग करना हर व्यापारी की मजबूरी हो गई है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रकार के बैग की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। अपने मनपसंद डिजाइन और लुभावने कलर की वजह से ये और भी ज्यादा पॉपुलर है। साथ ही साथ ये प्लास्टिक और पेपर बैग के मुकाबले ज्यादा मजबूत भी होते हैं और साथ ही साथ ये इको फ्रेंडली भी होते हैं। इसलिए दोस्तों, मार्केट में इस प्रकार के बैग की डिमांड काफी ज्यादा बनी हुई है और अब तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी अपने प्रोडक्ट्स के लिए ऐसे ही बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्केट में डिमांड और अच्छे प्रॉफिट मार्जिन की वजह से दोस्तों, इसका बिजनेस करना घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि कैसे कम बजट में हम अपना नॉन वुमेन बैग यानी कपड़ों के बैग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स और मशीन की जरूरत होगी, रॉ मटेरियल और मशीन कहाँ से खरीद सकते हैं, कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत होगी, कैसे अपना माल तैयार कर सकते हैं और टोटल कितनी लागत आएगी, तो वीडियो देखते रहिए। तो नॉन वुमेन बैग्स प्लास्टिक के मुकाबले काफी बेहतर होते हैं और इन बैग्स की खासियत ये है कि इन्हें आसानी से कैरी किया जा सकता है और इसके साथ 6 से 7 लोगों की भी जरूरत होगी जिनके जरिए हम बैग्स को तैयार कर सकें। चूंकि ये सिलने का काम है, इसलिए आप लेडीज को भी हायर कर सकते हैं अपने बैग्स के बिजनेस के लिए। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मेन जो रॉ मटेरियल्स होता है वो होता है फैब्रिक, जैसे कि नायलॉन, सिंथेटिक, कॉटन इत्यादि। ये अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं। आप ये फैब्रिक्स अलग अलग कलर में अपने जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। ये फैब्रिक आपको रोल के रूप में मिलेंगे और आपको बाजार में ये मटेरियल 30 जीएसएम से 180 जीएसएम तक 90 रुपीज से 150 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा। आप अपने बैग के ऑर्डर के अनुसार रॉ मटेरियल खरीद कर अपने बैग की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, रॉ मटेरियल्स की बात करें तो आप ऐसी जगहों से भी रॉ मटेरियल्स खरीद सकते हैं जो सप्लायर रद्दी कपड़ों को अलग अलग कपड़ों की फैक्ट्री से खरीद कर रखते हैं। इसका मतलब ऐसा कपड़ा जो फैब्रिक बनाने वाली कंपनी द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसे कंपनी रद्दी के भाव बेच देती है और यह रद्दी कपड़ा रद्दी मार्केट में रद्दी की दुकानों में पहुंच जाता है, जहां से आप बिल्कुल सस्ते रेट पे ये कपड़ा खरीद सकते हैं अपने बैग के बिजनेस के लिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने बैग के बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल्स के साइज का भी ध्यान रखना होगा, ताकि मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त आपका ज्यादा वेस्टेज ना आए। हमें बैग के साइज के हिसाब से भी फैब्रिक के रोल का ऑर्डर करना होगा। जैसे दोस्तों, यदि हमें 8x10 का बैग बनाना है तो उसके लिए 25 इंच के विड्थ का रोल ऑर्डर करना होगा, या अगर हमें 12x16 के साइज का बैग बनाना है तो हमें 37 इंच विड्थ का रोल ऑर्डर करना होगा। वैसे दोस्तों, बिजनेस शुरू करने के बाद आप ये कैलकुलेशन अच्छे से सीख जाएंगे। तो दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत हम 7 से 8 लाख रुपए में भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीदनी होगी और उसके जरिए हम काफी अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और उसके लिए हमें 5 मशीन्स की जरूरत होती है। पहली नॉन वुवन फैब्रिक कटिंग मशीन, दूसरी नॉन वुवन बैग सीलिंग मशीन, तीसरी नॉन वुवन बैग हैंडल सीलिंग मशीन, चौथी नॉन वुवन बैग हैंडल फिक्सिंग मशीन और पांचवी नॉन वुवन बैग हैंडल पंचिंग मशीन। दोस्तों, इन 5 मशीन के जरिए हम अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और कैरी बैग बना मार्केट में सेल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि इस मशीन के जरिए कौन सा काम कर सकते हैं। दोस्तों, नॉन वुवन फैब्रिक कटिंग मशीन के द्वारा हम फैब्रिक के रोल से फैब्रिक का सीट काटते हैं। ये मशीन फैब्रिक के रोल से आपके बैग के साइज के हिसाब से फैब्रिक को काट देती है। हमें मशीन में बस साइज को सेट करना होता है और पीछे रोल लगा देना होता है, और ये मशीन अपने आप रोल से फैब्रिक के सीट काट देती है और काउंट भी कर देती है कि कितने सीट काटे गए हैं, और हमें बस काटे हुए फैब्रिक को अलग अलग कर लेना होता है। दोस्तों, इस मशीन के जरिए आप 1 घंटे में 3000 से 5000 सीट को काट सकते हैं, हिसाब से मिल जाएगी। आप अपने जरूरत के हिसाब से ये मशीन खरीद सकते हैं। वहीं दोस्तों, इन काटी हुई फैब्रिक के सीट को हम फोल्ड करके नॉन वुवन बैग सीलिंग मशीन के द्वारा सील लेते हैं। ये मशीन बैग को सिलने के साथ साथ सिलाई के बाहर वाले कपड़े को भी काट कर अलग कर देती है, जिससे कि सिलाई के बाहर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दिखता। ये मशीन नॉर्मल सिलाई मशीन से काफी ज्यादा एडवांस होती है और इसलिए प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा देती है। दोस्तों, बैग हैंडल सीलिंग मशीन के जरिए हम अपने बैग के लिए हैंडल को तैयार करते हैं। हमें हैंडल बनाने के लिए फैब्रिक के 40 mm, 60 mm या 80 mm और अलग अलग साइज के विड्थ के रोल की पट्टी का स्टॉक अपने पास रखना होता है, और जहां से हम रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे वहीं से
हमें ये पट्टी भी मिल जाएगी। और हैंडल बनाने के लिए हमें बस मशीन में रोल के एक सिरे को फंसा देना होता है और ये मशीन बैग के साइज का हैंडल बनाना शुरू कर देती है। उसके बाद दोस्तों हम सिले हुए बैग और काटे हुए हैंडल को हैंडल फैक्सिंग मशीन के द्वारा जोड़ लेते हैं और हमारा बैग तैयार हो जाता है। दोस्तों कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिन्हें हैंडल की जरूरत नहीं होती, उन्हें बिना हैंडल वाला बैग चाहिए होता है और इसके लिए हमें हैंडल पंचिंग मशीन की जरूरत होगी। ऐसे कस्टमर के लिए हम काटे हुए फैब्रिक पे हैंडल पंचिंग मशीन के जरिए होल कर देते हैं और इन टाइप के बैग में हमें हैंडल की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये मशीन हर 6 सेकंड में एक बार पंच कर सकती है, इसका मतलब हम काफी जल्दी बैग्स को तैयार कर सकते हैं। प्रिंटेड बैग बनाने के लिए बाजार में बहुत तरह के प्रिंटिंग ऑप्शन अवेलेबल है जिनके जरिए हम बैग को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग, ऑफसेट और फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन। साथ ही साथ आप 6 से 7 लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे। दोस्तों आप जहाँ से ये मशीन खरीदेंगे आपको ट्रेनिंग भी वहीं से मिल जाएगी। दोस्तों आपको इस बिजनेस को शुरू करने में कोई भी दिक्कत आती है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और हम उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि अपनी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।